इनका इंक्यूबेशन तो इजी लग रहा है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल होगा। शकुनी मामा को कॉल करके इन्फॉर्म कर देता हूँ। हाँ भाई, क्या खबर है? मामा जी, भीष्म पितामह का इमरजेंसी सर्जरी है, ओटी टेबल पर ले लिया है। एमबीएम तो है ना? एमबीएम तुमको पूछता हूँ, पितामह कुछ खाया पिया है क्या? अभी थोड़ी देर पहले ही फुल कोर्स मिल खाया। नहीं नहीं मामा जी, ये तो फुल स्टमक है, आरएसआई ही करना पड़ेगा। अरे रे रुको, मैं शनि की वहां उपस्थित होता हूँ, तब तक तुम मॉनिटर्स लगाओ और एक व्हाइट बोर्ड आईवी लेके रखो। जी मामा श्री। पितामह उठी करो। पितामह आप बिल्कुल चिंता ना करो, आपको हम कुछ नहीं होने देंगे। मुझे चेक करने की जरूरत तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, मैंने सब तैयार करके रखा है, चिंता ना करो। कोई सीनियर नहीं आने वाला है, अपनी केस कर ले, ये भी पेशेंट है, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। नहीं होगा मामा जी। चल मास्क पकड़। कटिंग मेरी, कटिंग। हाँ हाँ तेरी ही कटिंग है, देखो मेरी कटिंग। मामा श्री ट्यूब कौन सा साइज का रखूं? अरे देखो इन्हें, पितामह को असिस्ट केयर में ना इंड्यूस करने की गलती तो नहीं ना मेरे लोग? तुम सही दिशा में विचार कर रहे हो, उन्होंने तो एयरवे का सही तरह से असेसमेंट भी नहीं किया और मास्क वेंटिलेशन में परेशान करने वाली दाढ़ी के बारे में भी नहीं सोचा, और तो और डिफिकल्ट एयरवे कार्ड भी नहीं रखा। अर्जुन तुम भी अपनी तैयारी चालू करो, क्या पता हमें भी कुरुक्षेत्र में उतरना पड़े पितामह को बचाने के लिए। जैसे आज्ञा प्रभु। चलो शुरू करें। चलो लंबी लंबी सांस लीजिए, आपको नींद आने वाली है। गिविंग पेंटोथल। अंडर है क्या? पितामह इज अंडर। चेक फॉर वेंटिलेशन। अरे भांजे कितनी बार बताया है, अच्छे से मास्क पकड़ो, सीट टाइट होना चाहिए, हेड लिफ्ट, चिन लिफ्ट, जॉ ट्विस्ट करो। चेस्ट राइज आ रहा है? अब वेंटिलेट हो रहा है। चल गिविंग रिलैक्सिंग। चलो इंट्यूबेट। क्या बात है भांजे, क्या दिख रहा है? कम्युनिकेट तो करो। हाँ हाँ मामा जी, ये तो बड़ी बाधा है, एपिगलॉटिस दिख रहा आधा है। Thank you.
गया, चेक कर चेक कर चेक। अरे जल्दी कर मामा जी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अरे रे, ये तो ईसो पे गुस्से चली गई है, अब तो अपना पग तो लग गई है। मामा जी अब क्या करें? लगता है कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, सबसे एक्सपीरियंस आने से कुछ सही बुलाना पड़ेगा। कौन बोले? कौन सा है किसको? कौन बोले? मामा श्री मेरे तो मिलियन में भाई है, किस किस को बुलाओ? ग्रो नंबर 99 क्या? ग्रो नंबर 98? अरे कृष्णा को बुलाओ, सर मिलियन में भाई किसी काम के नहीं है, वैसे भी वो सिफारिश सब जानने का देता है। क्षेत्र में उतरने का। बोलो अर्जुन, क्या लिया तुमने अपने खाते में? एयरवे चेक, भूजी चेक, थ्रुआ चेक, एलएमए चेक, वीडियो लारिंग उसको ले लिया। और क्या लो प्रभु? कांट इंट्यूबेट, कांट वेंटिलेट का भी सामान ले लो। जैसे? जैसे नीडल क्रिकोथायरोटॉमी और परक्यूटनेस ट्रेकियोस्टोमी। जी प्रभु। चलो ओटी की तरफ प्रस्थान करते हैं। चलो अर्जुन मास्क पकड़ो। हे केशव, इनका वेंटिलेशन तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। असंशय महाबहो मनो दुर्निग्रम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन चक्रवते। अर्थात मतलब डोंट पैनिक, पैनिक से कुछ भी नहीं होगा। कीप काम एंड ट्राई ऑल। चलो वेंटिलेटिंग गुजी यूज करो। हे माधव, इनका तो एपिग्लॉटिस ही ढंग से नहीं मिल रहा, मैं वेंटिलेट करता हूँ। ऑलरेडी 3 फेल्ड अटेम्प्ट हो चुके हैं, नाउ चेंज ऑफ अप्रोच इज रिक्वायर्ड रादर देन मल्टीपल अटेम्प्ट विद द सेम टेक्निक। माधव अच्छे से वेंटिलेट भी नहीं हो पा रहा है तो। अर्जुन एलएमए निकालो, इंट्यूबेटिंग एलएमए होगा तो और भी अच्छा। जी प्रभु। इन चेक फॉर वेंटिलेशन। जैसे सी ब्रेथ साउंड्स इक्वल वेल आर ड्रिलिंग। कैपनो भी आ गया है और सैचुरेशन भी बढ़ रहा है। लेकिन ये क्या, इनका तो स्टमक से डिस्टेंट हो रहा है। अरे हाँ, भीष्म पितामह तो फुल स्टमक थे। अब इनको इंट्यूबेट है इमीडिएटली। लेकिन कैसे? यही उचित समय है दर्शन चक्र को बाहर निकालने का। गेट में काबरा दिख रहा हूँ उसको। प्रभु अब यहाँ आ जाइए। जीवन को समझने के लिए जैसे भगवत गीता को समझना आवश्यक है, वैसे ही इस जैसे डिफिकल्ट एयरवे की सिचुएशन के समय पे डिफिकल्ट एयरवे गाइडलाइंस को समझना आवश्यक है।